हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, आज मैं बना रही हूँ बथुआ का रायता और मक्के और बाजरे की रोटी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखा करिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, ब्लॉग को लास्ट तक देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आगे आपको आगे ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड, मेरा उस दिन का बथुआ रखा हुआ था, इसमें डालूँगी मैं तड़का छाछ और बूंदी भी डालूँगी। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में बथुआ का रायता बहुत अच्छा लगता है और बाजरे की रोटी के साथ तो और भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, किस किस को पसंद है बथुआ का रायता बाजरे की रोटी, कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इस तरीके से बथुआ का रायता बनाती हूँ। आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैंने बथुआ को उबाल के पीसा था, अब मैं इसे छाछ में मिला लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी बूंदी, अब इसमें जीरे का तड़का लगाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, हम अच्छे से मिला लेंगे, बूंदियाँ गड़ जाएँगी, ज़्यादा वैसे नहीं है। और देखिए, मैं यहाँ पर तवे पर लगा रही हूँ तड़का। तो फ्रेंड्स, रायते में मैं मिर्च और काला नमक डालूंगी। नमक हम दोनों तरह का डालेंगे ताकि हमारा रायता बहुत अच्छे से बने, स्वाद आए। काले नमक का तो फ्लेवर और ही अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रायते में तड़का लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना यमी यमी दिख रहा है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लगता है बथुआ का रायता। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से बाजरे की रोटी और बना लेती हूँ। मेरा रायता तो हो गया यहाँ परफेक्ट बन के तैयार। मैं बाजरे की रोटी गैस पर ही बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे चूल्हा तो है, लेकिन मैं उस समय नहीं बनाऊँगी। हम दो लोग हैं, उनके लिए कहाँ मैं चूल्हे पर बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं हाथों से बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। मैंने कभी भी अपनी मम्मी की यहाँ पर नहीं बनाई हुई है, लेकिन ससुराल में आके तो सारी चीज़ें सीख ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं फटाफट से इस तरीके से बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी आपके लिए बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे ब्लॉग, मेरे सब्सक्राइबर मेरे ब्लॉग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जो चैनल पर न्यू देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं कितनी जल्दी फास्ट रोटियां बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें रोटी को कम धीमी आंच पर सेकना है ताकि अच्छे से सिके, क्योंकि चूल्हे की तरह नहीं सिक पाती हैं गैस पर फिर भी अच्छी बन जाती हैं कहीं तक। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी यहाँ पर रोटी सिक चुकी है। आप ना गैस को कम ही रख के सेकिए तो अच्छी रोटियाँ बनती हैं। मैं इस तरीके से सारी रोटियाँ बना लूँगी। मैं अभी अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हुए हैं, उनके लिए बाद में बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी यहाँ पर रोटी बन गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी, कितनी सुंदर रोटी बनी है। आप भी कमेंट में बताना मेरी रोटियाँ कैसी बनी हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से खाना खाते हैं, रायता और बाजरे की रोटी। तो देखिए फ्रेंड, आइए आप भी खा लीजिए रायता और बाजरे की रोटी। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ छत पर खाना खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी धूप हो रही है। अभी सुबह सुबह 11 बज रहे हैं। तो देखिए, आइए आप भी खा लीजिए।
रायता है, बाजरे की रोटी है। आज का मेरा ब्लॉग यही है। और डेली डेली तो वैसे भी मटर आलू गाजर आलू ऐसे ही बनते हैं, और आज मैंने बथुआ का रायता और बाजरे की रोटी बनाई है। पूरी सर्दियों हमने मठा नहीं खाया था, छाछ नहीं खाई थी, तो फ्रेंड नीचे से ऊपर आए हूँ चढ़कर, थोड़े ऐसा ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताया करिए मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी धूप है, अभी आई हूँ, अभी स्वेटर निकालूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे आगे न्यू वीडियो बनाऊँगी। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे जब भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप प्लीज़ लाइक भी करिए करिए।